Lecture, we'll one, one. में मैंने आपको मुख्तु बताए थे पॉसिबिलिटीज के ड्रॉ कर सकते हैं एक दफा मैं फिर प्रीवियस लेक्चर का रिवाइज कर देती हूँ कि आपके पास अगर दो सेट्स डिसजॉइंट होते थे तो वैन डायग्राम में वो ऐसे रिप्रेजेंट होते थे डिसजॉइंट का मतलब है कि जब जिनमें कोई चीज कॉमन ना हो फिर हमने एक पढ़ा था कि अगर एक दूसरे का सबसेट हो यानी अगर मैं कहूं ए सबसेट है बी का तो बी के अंदर ए आ जाएगा क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी तो हम ए को बी के अंदर रख देंगे तीसरी पॉसिबिलिटीज थी कि कुछ कॉमन हो और कुछ अनकॉमन तो उसमें हम ओवरलैपिंग वाला बनाते थे कि इसमें यहां कॉमन आ जाते थे और यहां ए के आ जाते थे और यहाँ बी के हमने क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट वन जो किया था वो हमने ओवरलैपिंग वाले उससे किया था क्योंकि उसमें कुछ कॉमन थे और कुछ अनकॉमन अब हम इसका पार्ट टू स्टार्ट करते हैं पार्ट टू है the sets, N and Z. N क्या है नेचुरल नंबर और जेड क्या है Integer. अब आपके पास ये है अब हम सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं और नेचुरल नंबर आपको पता है क्या वन टू थ्री फोर फाइव सो ऑन और इंटीजर्स क्या होते हैं जिसमें पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो सबसे पहले हम इसका यूनियन वाला करते हैं यानी कम्युटेटिव लॉ ऑफ यूनियन जो कि आपके पास है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए सबसे पहले कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सबसे पहले मैं कहती हूं कि लेट ए इज इक्वल टू एन एंड बी इज इक्वल टू जेड ये इसलिए क्योंकि आपके पास कंपिटेटिव लॉ में ए और बी की फॉर्म में है तो आप कंफ्यूज ना हो तो हमने ए को एन कर दिया है और बी को जेड कर दिया है अब हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ए यूनियन बी ए आपके पास क्या है नेचुरल नंबर यूनियन इन टीचर्स इसका आंसर क्या आएगा देखें नेचुरल नंबर होता है पॉजिटिव नंबर वन टू सो ऑन और जेड में आपके पास पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं ठीक है और जीरो भी आता है तो इसका मतलब है इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा Z सेट बनेगा तो हम इसका यूनियन लिख देंगे Z इसको मैंने इक्वेशन वन कह दिया अब आप कंसीडर करें राइट हैंड साइड B इंटर यूनियन A B क्या है Z यूनियन N तो अगेन इन दोनों का यूनियन भी क्या बनेगा Z तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इट इज वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए लेकिन हमने तो इसको वैन डायग्राम से प्रूव करना है अब हम इसकी वैन डायग्राम बनाते हैं पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बनाते हैं यूनिवर्सल सेट अब इसमें कौन सी पॉसिबिलिटीज आएगी देखें डिसज्वाइंट दोनों में कॉमन नहीं है ऐसा तो कुछ नहीं है ओवरलैपिंग कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो लेकिन नेचुरल सेट तो पूरा का पूरा इंटीजर्स के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब है इसमें यह वाली पॉसिबिलिटी आएगी जिसमें एक सेट दूसरे का सबसेट होता है यानी अगर हम देखें तो आपके पास B क्या है Z और नेचुरल नंबर उसके अंदर मौजूद है तो इसका मतलब A जो है वो B के अंदर मौजूद है ठीक है हमने निकालना क्या है लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी यानी ए और बी दोनों का यूनियन तो इसका मतलब बी पूरा शेड होगा अब बी के अंदर तो ए भी मौजूद है तो वो भी साथ शेड हो जाएगा तो इसका मतलब है ये जो लाइंस है ये रिप्रेजेंट कर रही हैं ए यूनियन बी को अब राइट हैंड साइड पे आते हैं अगेन वैन डायग्राम में ये यूनियन ये बी और ये उसके अंदर ए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बी यूनियन ए बी यूनियन ए में भी आपके पास पूरा ये शेड होगा इसको मैं इसको भी मैं वर्टिकल लाइन से शेड कर देती हूं तो ये जो लाइंस हैं ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट रही हैं बी यूनियन ए अब आप देखें दोनों में सेम पोर्शन शेड है तो इसका मतलब है इट इज वेरीफाइड थ्रू वैन डायग्राम दैट ए यूनियन बी जो है वो बराबर है बी यूनियन ए के अब हम इसका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन प्रूफ करते हैं यानी सेकेंड पार्ट करते हैं यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए पहले सेट से प्रूव करते हैं और फिर हम वेन well डायग्राम से प्रूव करेंगे सेट से प्रूव करने के लिए पहले कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी ए आपके पास क्या था नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन z अब देखें दोनों में कॉमन क्या है इसमें पॉजिटिव है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो इसका मतलब है दोनों में कॉमन क्या होगा नेचुरल नंबर का सेट अब करें कंसीडर राइट हैंड साइड बी पहले आएगा जेड इंटरसेक्शन एन आप देखें अगेन वही कि क्या आपके पास एक इंटीजर्स है और एक नेचुरल नंबर तो दोनों का कॉमन क्या होगा पॉजिटिव वाला यानी कि नेचुरल नंबर तो यहां भी आप फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इट इज वेरीफाइड दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए लेकिन हमने तो इसको थ्रू वेन डायग्राम प्रूफ करना है तो अब हम करते हैं थ्रू वैन डायग्राम प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले ड्रॉ करते हैं बी बाहर जो कि है जेड और ए उसके अंदर जो कि है नेचुरल नंबर अब आप देखें दोनों का हमने क्या लेना है ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन क्या है इन दोनों में कॉमन क्या है जो उसके अंदर वाली चीज है वो कॉमन है तो उसको मैं शेड कर देती हूं अब मैं करती हूं हॉरिजेंटल लाइन से तो ये लाइंस किसको रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करी हैं? अब हम राइट हैंड साइड लेंगे इसकी B इज इक्वल टू जेड ए इज इक्वल टू एन अब आपने क्या लेना है B इंटरसेक्शन A। A और B में भी कॉमन क्या है आपके पास ये A तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? बी इंटरसेक्शन ए को तो फ्रॉम या इट इज वेरीफाइड दैट इट इज वेरीफाइड थ्रू वेन डायग्राम That A intersection B is equal to B intersection A. होप के आपको थोड़ा सा और वैन डायग्राम समझ आई होगी जो कि ये बहुत इजी है अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं थर्ड पार्ट में है सी आपके पास और डी दो सेट दिए हैं सबसे पहले हम इसको पढ़ना सीखते हैं कि पढ़ते कैसे हैं इसको पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स इस साइन का मतलब बिलोंग्स टू x such that x belongs to N mean natural number, is sign ka matlab होता and, x such that x belongs to natural number and x is greater than और ये जो नीचे लाइन है इसका मतलब equal to, x is greater than और equal to 8 and less than और equal to 18. दोबारा पढ़ते हैं एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एट एंड लेस देन और इक्वल टू एटीन यानी जो आपके पास एक्स है यानी पूरा एलिमेंट का वो आठ या 8 से बड़े होंगे और एटीन या एटीन से छोटे होंगे तो हम क्या लिखेंगे सी में सेट एक्स में क्या आएगा एट क्योंकि इक्वल टू का मतलब है एट भी इन्वॉल्व है आठ और नेचुरल नंबर है इसका मतलब सारे आएंगे नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन एट से लेकर एटीन तक तमाम आएंगे क्योंकि एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू एट है ग्रेटर देन सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एट है और लेस देन और इक्वल टू एटीन है यानी एट से और एट और एट से बड़ा एटीन और एटीन से छोटा यानी एटीन तक हो जाएगा एंड अब हम डी सेट देखते हैं, डी को भी पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है? Y such that y belongs to natural number and x is greater than or equal to nine and less than or equal to nineteen। यानी अब इसमें नाइन से शुरू होके क्योंकि y जो है वो नाइन या नाइन से बड़ा है, तो नाइन और नाइन से बड़े से लेकर कहां तक जाएगा? नाइनटीन तक। क्योंकि वो नाइनटीन और नाइनटीन के इक्वल है या नाइनटीन से छोटा है तो ये आपके पास दो सेट आ गए इसको आप लोग खुद ट्राई करें इसको पहले सेट की फॉर्म में सॉल्व करें और फिर वेन डायग्राम में अब आप लोगों के आसानी के लिए पहले हम ये देख लेते हैं इसमें इनकी नेचर कैसी होगी डिसज्वाइंट होंगे सबसेट होंगे ओवरलैपिंग अगर आप देखें डिसजॉइंट तो नहीं है क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं सबसेट भी नहीं है हर एलिमेंट सी का भी डी में मौजूद नहीं है क्योंकि एक नहीं है और हर एलिमेंट डी का भी सी में मौजूद नहीं है इसका मतलब है ये आपके पास ओवरलैपिंग वाला आएगा आपने इसको ओवरलैपिंग वाले में ड्रॉ करके इसका सेट जो है वेन डायग्राम के थ्रू इसको प्रूव करना है आप लोग इसको करें प्रैक्टिस के तौर पे नहीं होगा तो अगले लेक्चर में आप लोग वैन डायग्राम ट्राई करें लेकिन अगर नहीं होता उसको रफ पे कर लें अगले लेक्चर में आप लोग सेट सॉल्व करके रखिएगा मैं सिर्फ इसकी वैन डायग्राम बना दूंगी ठीक है तो इसको आपने कंप्लीट करना है ठीक है होमवर्क में इसको कंप्लीट करना है अगर वैन डायग्राम आप लोग रफ में करें नीट पे मत करिएगा आप लोगों को वैन डायग्राम की प्रैक्टिस करें अगर नहीं होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके वैन डायग्राम बनाऊंगी अभी इसलिए नहीं बना रही कि आप लोग पहले इसका सेट खुद सॉल्व करें ठीक है ओके स्टूडेंट्स टेक केयर अल्लाह हाफिज